एक एक मोटिवेशनल कार्यक्रम समाज सेवा के माध्यम से अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार। मोटिवेटर स्पीकर है हमारे स्वामी ज्ञान वत्सल जी, जो स्वामीनारायण संप्रदाय से हैं। और मैं आगे भूमिका बनाऊं उससे पहले हम विधिवत रूप से शुरुआत करें प्रार्थना से। मेरा अनुरोध प्रकाश जी से है कि रिकॉर्डेड प्रार्थना का गान किया जाए। प्रार्थना का संगान हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे बीच में प्रसिद्ध मोटिवेटर एंड ट्रेनर स्वामी ज्ञान वत्सल जी साहब पधारेंगे भी, और उनका उद्बोधन होगा, उनका मार्गदर्शन होगा। तो जैसा कि आपको विदित है कि समाज सेवा के माध्यम से अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार, ये आज का विषय है। और हमारे बीच में आदरणीय ज्ञान वत्सल जी स्वामी अभी पधारने वाले हैं। और अनिल जी साहब, वेलकम एड्रेस से शुरू कराओ गणपत जी। हाँ, मैं स्वागत भाषण के लिए आदरणीय शांति कुमार जी जैन साहब से अनुरोध करूंगा। और जैसा कि हम सब वीर वीराएं परिचित हैं शांति कुमार जी के व्यक्तित्व से, आपका जन्म जयपुर में हुआ और आप एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और महावीर इंटरनेशनल दिल्ली शाखा के 5 बार चेयरमैन रहे हैं, वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं। और जैसे कि आपको विदिती है कि
के आदरणीय मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी के सुरक्षा सलाहकार भी रहे, और आपके नेतृत्व में इस कोरोना के पेंडेमिक काल में भी बहुत मतलब इन्हें सराहनीय कार्य हुआ है, सेवाकारी हुए हैं। तो सीएसआर के द्वारा भी और अन्य उपलब्धियां हासिल हुई है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय शांति कुमार जी जैन साहब, कृपया स्वागत भाषण। स्वामी जी ऑलरेडी हमारे बीच में है, तो यस वेलकम है। जय महावीर आप सभी को, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानित वक्ता स्वामी ज्ञान वत्सल स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन, सम्मानीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षगण श्री विजय बाप श्री धीरज जी कोठियारी जी, श्री विजय जी बापना जी, महावीर इंटरनेशनल के तमाम पदाधिकारीगण और प्यारे वीर भाइयों एवं वीरा बहनों, आप सभी को जय महावीर। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि आज एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता है परंतु एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं, समाज सुधारक हैं, और जिन्होंने लाखों लाखों लोगों को प्रेरणा दी है और जीवन में पॉजिटिवनेस के आगे प्रेरणा के माध्यम से आगे बढ़ना सिखाया है। स्वामी जी, मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि महावीर इंटरनेशनल भगवान महावीर के आदर्श सबको प्यार, सबकी सेवा और जियो और जीने दो के सिद्धांतों के रूप में सन 1975 में स्थापित किया गया था और 46 वर्ष से हम लोग इसको मानवता प्राणी मात्र की सेवा में लग्न है। हमारे 303 केंद्र हैं जो 150 लोकेशंस में लाखों लाखों लोगों को सेवा के कार्य में सहायता पहुंचा रहे हैं। विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में हमने 22 लाख से भी अधिक लोगों को भोजन, राशन सामग्री, मास्क, दवाइयां, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स का वितरण किया। 102 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक हमने खोले। लाखों जिंदगियों को हमारे वीर वीराओं ने बचाया। महावीर इंटरनेशनल मुख्य रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसमें हम हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं, रक्तदान हमारा एक नियमित प्रोजेक्ट है, रोको थैलेसीमिया है। अभी हाल ही में हमारे स्थापना दिवस पर हमने 3725 यूनिट एक सप्ताह में कलेक्ट की, लेकिन इसके अलावा भी पूरे साल में हजारों ब्लड यूनिट्स हम लोग डोनेट कर रहे हैं। और साथ में ही शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण आदि का कार्य महावीर इंटरनेशनल कर रही है। हमारे 63 वीरा केंद्रों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का बहुत ही शानदार कार्यक्रम और सेवा के कार्य हो रहे हैं। पर्यावरण में अभी तक महावीर इंटरनेशनल ने लाखों पेड़ लगाए हैं और लगा रहे हैं। अभी भी पर्यावरण दिवस पे हमारे विभिन्न केंद्रों द्वारा 25,000 से भी अधिक पेड़ों को लगाया गया। जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में भी हम लोग काफी कार्य कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन और लोगों को जागरूक करने का काम भी हमारे केंद्र कर रहे हैं। हमारे सभी वीर वीराएं बिना किसी चिंता के डर के कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस दौरान में आगे आए, बाहर आए, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को हॉस्पिटल लेके गए, दवाइयां पहुंचाई और सेवा के कार्य में लगे रहे, तो मेरा उनको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारी वीर और वीराएं इसी उत्साह और उमंग के साथ सेवा के कार्यों को जारी रखेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि स्वामी जी को आज सुनने के बाद हमें इस मार्ग पर और तीव्र गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। जय महावीर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय शांति कुमार जी जैन साहब और अनिल जी साहब। सुस्वागतम स्वामी ज्ञान वत्सल जी जो हमारे बीच में पधार गए हैं, और मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं महावीर इंटरनेशनल एपेक्स की ओर से। चूंकि आप गुजरात की धरती से हैं और मैं सूरत से, अभी मेरा वक्तव्य मैं दे रहा हूं, और सूरत में तो मैं जब भी अखबारों में पढ़ता हूं, भले दिव्य भास्कर हो या दैनिक भास्कर हो या गुजरात समाचार, गुजरात मित्र, जो भी अखबार जब पढ़े हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि वरासा के जो पाटिल पटेल समाज हो या फिर जैन समाज हो या अग्रवाल समाज हो या मेस्टी समाज हो, आज के युवा जिस तरह से फिल्म अभिनेताओं के दीवाने किस तरह से रहते हैं, इस तरह से मोटिवेशनल कार्यक्रम में मैं ऐसा मानता हूं कि आज के दीवाने हैं और एक निस्वार्थ भाव से आप जो सेवा कर रहे हैं। और आपके प्रति मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप का मतलब आप वल्लभ विद्यानगर जो आनंद है वहाँ आपका जन्म हुआ है और आपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये जो पढ़ाई की है और तकरीबन दुनिया के 60 देशों में आपके मोटिवेशनल कार्यक्रम हुए हैं। और मैं अनिल जी साहब आपको बता दूं, अगर मैं पूरा का पूरा आपका परिचय अगर पढ़ूं तो मुझे लगता है कि मैं स्वामी ज्ञान बद्दल जी के जो आज मोटिवेशनल कार्यक्रम है उसका अतिक्रमण कर लूंगा। मगर मुझे संक्षिप्त में ये बताना भी जरूरी है कि आप जो स्वामीनारायण संस्थान जो है बाप करके जो फेमस है और प्रमुख स्वामी जी के शिष्य रहे हैं और जब विदेशों में आप जाए तो आप उसकी भाषा का रूपांतर भी आप करते रहे हैं। विदेशों में स्वामीनारायण संप्रदाय की जो मतलब आप समझ लो आइडियोलॉजी है जगह जगह फैलाने में आपका बहुत बड़ी भूमिका रही है और बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद में जो स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर है वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, जहां ही आपके जो निस्वार्थ भाव से और इजी उपलब्धता रहती आती, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि ज्ञान पिपासा बहुत है, हमें सुनने की लालसा बहुत है और आपका मेरे पास में जो परिचय है मुझे लगता है कि मैं संक्षिप्त में संक्षिप्त बात करूं तो 15 मिनट मुझे लगेंगे, तो मैं हो गया, हो गया। उसको विराम देके आपकी वाणी का है जो मन ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। मैं इतना ही कहूंगा है समय नदी की धार जिसमें वह जाया करते हैं लेकिन कुछ होते हैं ज्ञान बत्सल जी स्वामी जैसे जो इतिहास बनाया करते हैं। स्वागत। नमस्कार। तो गणपत जी साहब, मैं अनिल जैन सेक्रेटरी जनरल महावीर इंटरनेशनल आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं स्वामी जी। महावीर इंटरनेशनल जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया कि एक ऐसी संस्था है जो समाज सेवा के काम में लगी है। हमारे जितने सदस्य हैं वो तन मन धन से हमेशा केवल देने की बात सोचते हैं, कभी किसी को मन में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे कुछ चाहिए। बहुत तरीके से काम करते हैं लेकिन फिर भी मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्यों हमारे लोग समाज सेवा के काम में करते हुए कभी कभी प्राथमिकता समाज सेवा को नहीं दे पाते और जो नेचुरल सा है वो देते हैं कि भाई अपना बिजनेस है, अपना समाज है, अपना प्रोफेशन है, जिसको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और समाज सेवा से पीछे छूट जाते हैं। मैं मेरे दिमाग में ये विचार कभी कभी परेशान करता है, कई बार हम बात भी करते हैं तो फिर मुझे लगा कि मैं बात करता हूँ। ऐसे बात करते करते मैं सूरत शहर में राजीव जैन से मिला और राजीव जी ने आपका नाम सजेस्ट किया और फिर मैंने आपसे बात की और दैट्स हाउ वी आर हियर। तो उसमें जब मुझे ये समझ आया कि ये जो विचारधारा है इसके अलग भी एक विचारधारा है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा हम बात करते हैं सबकी सेवा सबको प्यार, तो मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा का काम नहीं है। फिर क्यों ऐसा है कि इसके पीछे हम उतनी प्राथमिकता जितनी चाहते हैं उतनी नहीं दे पाते और कहीं रुकावट? तो ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम आपके पास पहुंचे हैं। इससे पहले कि आप जवाब शुरू करें और आप अपनी बातचीत और आपका अपना प्रवचन हमें दें, उससे पहले मैं बात करता हूं कि देखिए दुनिया में ये लोगों की बहुत एक अलग विचारधारा है, एक मान्यता है कि जो व्यक्ति समाज सेवा के काम में लगता है तन मन धन से लगता है उसका उसमें एक डिफरेंट तरह की क्वालिटीज डेवलप होती है, उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसके मन में अच्छे विचार आते हैं, सकारात्मकता आती है और उसकी वजह से उसके मस्तिष्क की धमनियां लगातार काम करती है और जब वो काम करती है तो ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, सामाजिक लाइफ में सब जगह वो सक्सेस प्राप्त करता है क्योंकि उसमें काम करने की असीम शक्ति आ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और इस ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा समाज सेवा के काम से आती है क्योंकि जब आप काम करते हैं कुछ लोग दुआएं देते हैं, कुछ लोग अच्छा बुरा कहते हैं लेकिन देखिए उसमें ईगो भी खत्म होती है, इंसान की ईगो समाप्त होती है और ईगो भी कम होती है, सहनशीलता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंट तरह का निखार आता है। हाथ जोड़ के सबसे बात करना, सबसे चीज करना, तो गुस्सा कम हो जाता है, तो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसमें भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट आता है और वो चीज़ बिजनेस में और सब जगह हमारे काम आती है।
कल ही मैं अपने किसी मित्र के साथ बैठा हुआ था, हमारे बीच में बैठे हुए वो दोस्त भी, देखिए कितना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही कि उनका एक बड़ा परिवार है, चार भाइयों का परिवार है, फैमिली है, जॉइंट फैमिली, 7-8 नौकर है, 6-7 ड्राइवर है। वो क्या करते हैं कि महीने में एक बार उन सब नौकरों और ड्राइवरों को नीचे जमीन पे बिठा के पूरा परिवार उनको खाना खिलाता है। खाना खिलाता है क्या इसका मतलब, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि खाना खिलाता है, लेकिन उनकी ईगो को डाउन करने के लिए, वो इंसान को एक ऊंचा दर्जा देते हैं, अपने आप को जमीन पर रखने के लिए ऐसा काम करते हैं। और मैं उनके ऐसे काम को सलाम करता हूँ, क्योंकि जब मैंने कल उनको सुना तो फिर मुझे लगा कि आज मैं ये बात जरूर बताऊंगा कि ऐसे ऐसे भी व्यक्ति है। तो ऐसे उसमें 24 घंटे ये सोचना कि समाज सेवा का अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे विचारों में एक सकारात्मकता आएगी, मेरा मन तन प्रफुल्लित होगा, और अगर ऐसा होगा तो मैं बिजनेस में, प्रोफेशन में, समाज में, पर्सन में बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा। ऐसा मेरा विचार था, और इसी विचार को आगे रखते हुए हमने आपको ये तकलीफ दी और हमने आपको यहाँ बुलाया। मैंने आपका एक वीडियो भी सुना है जिसमें आप ये कहते हैं कि 24 घंटे का समय होता है जीवन, इंसान के जीवन में, लेकिन इस इंसान के इस चीज को 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि 1-8 घंटे का टाइम तो सोने में निकल जाता है, एक एवरेज आदमी सोता है। तो आपकी जिंदगी अगर 60 साल की है, 80 साल की है, 90 साल की है, तो 90 साल का 1/3 इज गोन, सो 30 ईयर्स यू ओनली पास ऑन इन दी वाइल स्लीपिंग। ये मैं स्वामी जी को कोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको सुना है, इनकी बातचीत को सुना है। दूसरा बात ये कहते हैं कि अगर जो दूसरा पार्ट है, अगर दूसरा 1/3 निकाले तो वो 1/3 निकल जाता है अपना काम धंधा बिजनेस या अपना परिवार का दायित्व निभाने, यानी कि जो सामाजिक जिम्मेदारी है परिवार को चलाने की, उसकी जिम्मेदारी को निभाने में, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन करने में वक्त निकल जाता है। तीसरा जो हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तीसरा हिस्सा क्या बचता है, जिसमें हम यार दोस्तों से बात कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को कुछ वापस दे सकते हैं, तो बहुत कम टाइम है। कुल मिला के जो मैं बात कह रहा हूँ, और वो मैं अपनी, मेरा कोई टॉपिक नहीं है, मैं स्वामी जी के शब्दों में बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि इंसान के पास वक्त बहुत कम है, और जो कम है तो इसका इस्तेमाल ऐसे करिए कि एक एक मिनट का इस्तेमाल ऐसे करिए, हर रोज ये तीनों काम करने हैं, तीनों काम को प्लान करना है, शेड्यूल करना है, उसके हिसाब से ये काम होने। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ, और स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें और हम लोगों को मोटिवेट करें, इस हद तक कि ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो तन मन धन से काम करते हैं, काम भी करना चाहते हैं और आगे ज्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कभी प्राथमिकताओं में फर्क आ जाता है, तो कहीं आप अगर हमारे को दिशा दे सके, ज्ञान दे सके, तो आपका आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आदरणीय स्वामी जी, आपको सुनने के लिए हम कितने उतावले हुए जा रहे हैं कि हमारे सेक्रेटरी जनरल का जो उद्बोधन था, और मैं उनका न तो परिचय दे पाया, बस एक जिज्ञासा, कितना जल्दी आपसे सुने। और मैं आपको बताऊं, आदरणीय अनिल जी पिछले 36 सालों से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हैं, और 5 बार दिल्ली के जो मतलब आप तो पदाधिकारी रहे हैं, और अभी सेक्रेटरी जनरल है। तो मैं आपको पुनः अनुरोध करूंगा, अब आपका उद्बोधन आनंद। थैंक यू सो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण देव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। महावीर इंटरनेशनल के आप सभी सदस्यगण, विशेष तो प्रमुख श्री और सेक्रेटरी श्री अनिल जी, और हमें साथ लाने वाले हमारे अच्छे मित्र सूरत के श्री राजीव जी जैन, आप सभी वीर, आप सभी सदस्य को हमारे नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय स्वामी नारायण, एंड गुड इवनिंग। अभी जो अनिल जी ने बात बताई कि आप महावीर इंटरनेशनल में तन मन धन से सेवा करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, उत्साह से करते हैं, करते आए हैं और आगे भी करने वाले हो। प्रमुख श्री ने भी बताया कि कितनी सारी प्रवृत्तियां आप करते हो, और मुख्य मकसद तो ये है आपका कि समाज सेवा, क्योंकि
आप सभी के हृदय में मस्तिष्क में ये विचार दृढ़ है कि समाज सेवा एक उत्तम सेवा है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है, वो एक बहुत अच्छा सुंदर विचार, उत्कृष्ट भावना वो आपके हृदय में स्थिर है। इसलिए आप सभी महावीर इंटरनेशनल के सदस्य को हम नमन करते हैं। आपकी ये भावना, आपके ये विचार एक मनुष्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है और स्पेशली 20वीं और 21वीं सदी में इस प्रकार का एक संगठन, इस प्रकार का एक समुदाय साथ में आना और निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहना, जो कोरोना काल में भी आपने सेवाएं की वो भी बहुत सराहनीय है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है और आगे भी आप सब करते रहें, इसके लिए प्रभु आपको बहुत बल दे, महावीर स्वामी आपको बहुत प्रेरणाएं दे, इस प्रकार की हम आज प्रार्थना करते हैं। तो आज विशिष्ट बात यह है कि समाज सेवा हम जो करते हैं, और जो बात अभी अनिल जी ने बताई कि कई कई बार प्राथमिकता नहीं रहती है, हम समझ सकते हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, परिवार है, परिवार का दायित्व है वो आपको निभाना है, बच्चे हैं उनको पढ़ा के अच्छी एक बिजनेस लाइन में उनको ज्वाइन करना है और भी सामाजिक जिम्मेदारियां कई हैं। इसके बीच हम समझ सकते हैं कि कई बार प्राथमिकता इस समाज सेवा में कम रहती है, इसलिए जो अभी 8+8+8 की बात बताई वो बैलेंस ऑफ लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस है, वो करना बहुत जरूरी है, वो सोच के समझ के करना अत्यंत आवश्यक है, वरना तो ये 70-80 साल का जीवन ऐसे ही बिक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। रोज पृथ्वी पे से 1.5 लाख लोग चले जाते हैं, 86,200 सेकेंड्स है पृथ्वी पे 24 घंटे में, 24 × 60 × 60 = 86,200, मतलब इतनी सेकेंड्स में 1.5 लाख लोग चले जाते हैं, मतलब हर 2 सेकेंड 3 लोग चले जाते हैं। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, आधा घंटा करीबन हुआ, 1,800 सेकेंड हुई तो उसमें 2,400 लोग पृथ्वी पे से चले गए, तो कल हम भी चले जाएंगे, लेकिन अंत समय में जब हम हो या पूरे जीवन में हर क्षण अगर हमें छाती पे हाथ रख के अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि भगवान ने मुझे जो 70-80 साल इस पृथ्वी पे दिए, 80-90 साल जो पृथ्वी पे दिए, वो मैंने फ्रूटफुली, वो मैंने अपना कर्तव्य दायित्व निभाते निभाते सेवा भी की, प्रभु भक्ति की, तो वो जो संतोष है वो पाना, वो मनुष्य जीवन का मकसद है, मनुष्य जीवन का एक हेतु है। हम जानते हैं कि आजकल ये 21वीं सदी में मनी हैज बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, मनी डिसाइड्स योर रिलेशनशिप्स, मनी डिसाइड्स एंड इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजंस, मनी टेक्स केयर ऑफ ऑल द फोर्सेस बिहाइंड ऑल योर मूवमेंट्स एंड एक्टिविटी। लेकिन एक बात हमें एक ज्ञान के रूप में, थोड़े विजडम के रूप में सोच के हम अपने अंतर में बिठा दे कि मनी कैन प्रोबेबली बाय यू अ गुड हाउस बट इट डज नॉट हैव द पावर टू कन्वर्ट इट इनटू अ गुड होम, यस और नो? मनी कैन बाय यू luxurious items from cars to dining tables to TV sets, but money does not have the capacity to make you happy. Money can buy you the best of beds, but it does not have the capacity to give you a sound sleep. Michael Jackson $94,000 ke bed pe sote the phir bhi neend nahi aati thi, 10-10 गोली लेते थे फिर भी 2 घंटा सिर्फ नींद आती थी, हैरान परेशान हो जाते थे पूरी रात निकालने में। तो मनी कैन परहैप्स बाय यू द बेस्ट ऑफ बेड्स बट इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू गिव यू अ साउंड स्लीप। मनी कैन बाय यू गुड फूड, इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू गिव यू एपेटाइट एंड डाइजेशन। आप शांति से बैठ के ये बातें सोचना, if money can buy you 100 things that can make you happy, there are other 100 things that money cannot buy and you still need it to become happy.
जैसे है ट्रस्ट, विश्वास पैसे से नहीं आता है, रिलेशनशिप्स पैसे से नहीं आते, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना वो पैसे से नहीं आते, एक दूसरे के प्रति मित्र भाव, प्रेम भाव वो पैसे से नहीं आता, और इसी वजह से तो हम आनंद में रहते हैं। तो ये दिमाग में बैठा के 24 घंटा जब हम पैसे की सोच करते हैं, व्यवसाय बढ़ाने की बात करते हैं और उसी विचार में अपना पूरा दिन बिताते हैं, उन सभी के लिए ये सोचना आवश्यक है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस, सर्विस मतलब मानव सेवा जो हम बात कर रहे हैं, स्माइल, ये सभी कुछ बातें जीवन में है। आपका जीवन रंगीन होना चाहिए। आकाश में जब हम देखते हैं एक ही रंग होता है, स्काई ब्लू होता है, तब ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन उसी आकाश में जब मेघ धनुष छा जाता है तब देखते रह जाते हैं, क्योंकि देयर आर ऑल कलर्स देयर। इन द सेम वे यू शुड हैव ऑल कलर्स इन लाइफ। तो जब हम ये समाज सेवा की अगत्यता की बात सोचने के लिए बैठे हैं तो वो सोच वहीं से शुरू होगी, इसलिए मैंने प्रवचन वहीं से शुरू किया है कि वी रियली गिव अ सीरियस थॉट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन अवर लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ आवर प्रोफेशन इन अवर लाइफ। जरूरी है कामकाज, व्यवहार, व्यापार धंधा और पैसा बहिर प्राण है, जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन हमने कुछ ज्यादा ही महत्व उसको दे दिया है। मनी हैज बीन गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। ये सभी प्रश्न का मूल है। स्वास्थ्य के प्रश्न ले लो, व्यवहार और संबंध के प्रश्न ले लो, समाज सेवा में प्रश्न ले लो, जो समाज सेवा के लिए समय नहीं मिलता है, उन सभी प्रश्नों, प्रभु भक्ति के लिए समय, इन सभी समय के लिए हमें ये सोच करनी आवश्यक है कि वी शुड स्टार्ट गिविंग मनी द राइट प्लेस इट डिजर्व्स। एट प्रेजेंट वी हैव गिवन अ मच मोर इंपॉर्टेंट प्लेस देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। और कितने साथ लेके जाने वाले हो? ढेर सारे। सिकंदर भी खाली हाथ गया, बिल गेट्स भी खाली हाथ जाने वाले, आप और मैं भी खाली हाथ जाने वाले। बोलते तो हैं हम सब जब ज्ञान की बातें करते हैं तब कि कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके जाने वाले नहीं, बोलते तो हैं, लेकिन 12-15 घंटा व्यवसाय, व्यापार और पैसे के पीछे ही दौड़ते हैं, तो वो ज्ञान और समझदारी वर्तन में नहीं आए। इसके लिए विजडम जरूरी है। तो प्रथम ये बात है, ये समझदारी एक बार आई तो आप समाज सेवा में अच्छी तरह से प्रवृत्त हो पाएंगे, क्योंकि आप ये लेके चलेंगे, आप अपने ये बात लेके चलेंगे अपने हृदय में अपने मित्रों के साथ कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, समाज के लिए भी कुछ करके जाना है, एंड दैट इज द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ। तो समाज सेवा में प्रथम बात मैं ये करना चाहूंगा कि आप एक निर्णय कर लो कि मुझे रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल इतना समय, इतने मेरे संसाधन, इतने मेरे संबंध समाज सेवा में जुड़ने हैं। डिसाइड, जैसे आप तय करते हो कि सुबह 9:30 ऑफिस पहुंचना ही है, तय करते हो ना, उसी तरह ये तय कर लो कि इतवार को सुबह 1.5-2 घंटा सेवा करनी है, महीने में 10 घंटा सेवा करनी है, जो कुछ सेवा हो, जो कुछ भी मुझे सेवा मिले। मेरे महावीर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो पदाधिकारी हैं, मुख्य हैं, उनकी ओर से जो भी प्रोजेक्ट आए मुझे उसमें जुड़ना है। निर्णय कर लेना। निर्णय नहीं करते हैं, डिसीशन नहीं लेते हैं, इसलिए ये होता नहीं। पहली बात मैंने समझदारी की बताई, दूसरी बात ये बताता हूं कि निर्णय कर लो कि ये करना ही है। निर्णय करते हैं तो सब कुछ होता है। निर्णय करेंगे तो बात बनेगी। जैसे महावीर इंटरनेशनल में आपके कहीं सहयोगी होंगे, मित्र होंगे, वो करते होंगे, श्रद्धा से करते होंगे, फिर भी बिजनेस बैलेंस कर लेते हैं, फैमिली भी बैलेंस करते हैं,
हम लायंस इंटरनेशनल क्लब्स में जाते हैं, हम रोटरी इंटरनेशनल क्लब्स में जाते हैं, जेसिस क्लब में जाते हैं, सभी के सदस्य श्रद्धा से सेवा करते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। तो आप निर्णय इस बात पे दृढ़ होके करें कि आज समाज में, अब ये वाक्य बराबर सुनना है, आज समाज में मेरे आसपास चारों ओर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने श्रद्धा से ये निर्णय किया है और वे कर रहे हैं और कर पा रहे हैं। तो अगर मैं निर्णय करूंगा तो मैं भी कर पाऊंगा और मुझे भी ये लाभ मिलेगा। ये निर्णय करना बहुत आवश्यक है। डिसीशन हैज द पावर टू फाइंड द वेज, डिसीशन हैज द स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट रिसोर्सेस, डिसीशन हैज द फ्रेग्रेंस टू स्प्रेड। तो निर्णय कर लेना। दूसरी बात, कैसे कैसे लोगों ने कैसी कैसी श्रद्धा से समाज सेवा की है, उनके जीवन चरित्र आप देखना, सुनना, पढ़ना। एक अच्छा प्रसंग आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे गुजरात में यहाँ आनंद, मध्य गुजरात में एक छोटा सा टाउन है जिसके बाजू में वल्लभ विद्यानगर, वो स्टडी टाउन है जहां मैं पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग वहां से। आनंद के एक डॉक्टर दोषी थे, आई स्पेशलिस्ट थे, मतलब ही वॉज एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस अच्छी चलती थी। इतवार इतवार को आई कैंप्स में भी जाते थे, कोई भी संस्था ने कोई आई कैंप लगाया हो तो श्रद्धा से सेवा करने जाते थे। फिर वो सेवा से उनको आनंद मिलने लगा, फिर ये निर्णय लिया कि देखो, दो टाइम की रोटी चाहिए, दो कपड़े चाहिए, पैर में एक जूता चाहिए, और क्या आवश्यकता है मनुष्य की, इतनी भी हम साथ नहीं लेने ले जाने वाले, जब हमको मृत्यु के बाद जला देंगे तब इतना भी साथ नहीं आने वाले, तो क्यों ना मैं सेवा में अपना समय बिताऊं, क्यों ना मैं श्रद्धा से सेवा करते करते अपना जीवन पूरा करूं। ये निर्णय किया डॉक्टर दोषी, डिसाइडेड फॉर लाइफ टाइम सर्विस। मैं आपको सब महावीर इंटरनेशनल के सदस्य को ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप डॉक्टर दोषी की तरह सब कुछ पूरा छोड़ के सेवा करें, लेकिन इस प्रकार की बातें आप सुनेंगे तो आपको इतना तो आप निर्णय कर पाएंगे, प्रेरणा आपको इतनी तो मिलेगी कि चलो इतवार को दो घंटा में सेवा कर लो, या हफ्ते में कोई भी दिन दो घंटे की सेवा कर लो। आप सभी सबसे इतना ही निर्णय करेंगे कि हफ्ते में दो घंटा देना है, तो कितनी सारी सेवाएं होगी, कितने लोगों को आपसे लाभ मिलेगा। आप जो यहां बैठे हैं, आप सभी को मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, आप घर में बैठे हैं, आप सभी के घर भी मैं देख रहा हूं, आपके पैरवेश भी मैं देख रहा हूं, आपके पैरवेश से आपने जो कपड़े पहने हैं, आप जो घर में बैठे हैं, आपके चेहरे पे जो तेज है उससे लगता है कि आप सभी क्वाइट वेल सेटल्ड हो। आप सभी को भगवान ने एक सामान्य मनुष्य, एक आम आदमी से कुछ थोड़ा तो ज्यादा दिया है, हा या ना? Raise your hands if I'm yes, if I'm right. वही मैं बोल रहा हूं, आप सभी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, तेज है, आपके जो कपड़े हैं, आप जिस घर में बैठे हो, बैकग्राउंड्स देख रहा हूं अभी मुझे स्क्रीन पे 15-20 दिख रहे हैं, तो भगवान ने आप सभी को, आपके भाग्य है, आपने पुरुषार्थ भी किया है, आपकी बुद्धिमत्ता भी है, तो इन सभी को मिला के आपके पास सामान्य मनुष्य से कुछ ज्यादा है, आम आदमी से कुछ ज्यादा है। तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं ज्यादा सेवा करूं। बहुत जो समाज में निम्न कक्षा के व्यक्ति हैं, जिनको आपसे 1% भी भाग्य प्राप्त नहीं है, उपलब्धियां की और व्यवस्थाएं प्राप्त नहीं है, उनको कुछ में मदद रूप, ये निर्णय लेना है। मैं समझता हूं कि आप हफ्ते में दो घंटा सेवा करेंगे तो आप सभी में से किसी का भी बिजनेस इतना भी कम नहीं होने वाला, और आप में से आधे तो इतने बैठे हैं कि आपका छोटा भाई या आपका भांजा भतीजा आपका लड़का अभी बिजनेस में ज्वाइन हो गया है, या ना? कहीं ना कहीं आपको ऐसी अच्छी मदद है, तो क्यों ना आप निर्णय ना ले। डॉक्टर दोषी ने यह निर्णय लिया, एंड इन हिज लाइफ टाइम, नाउ लिसन केयरफुली,
Dr. Doshi, in his lifetime, he performed 3 lakh cataract operations free. क्या सेवा की? सभी के हृदय में बसे हुए हैं. आप गुजरात राज्य में आए और किसी भी डॉक्टर या किसी भी ऐसे बुद्धिशाली आगेवान व्यक्ति को पूछे, डॉक्टर दोषी को जानते हैं? सभी हाँ कहेंगे. आज तो वे नहीं है इस पृथ्वी पे, लेकिन जब हमने स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर में बड़ा महोत्सव मनाया था 1992 के साल में, जब स्वामीनारायण अक्षरधाम इनॉग्रेट हुआ. आपके दिल्ली में भी हमारा बहुत बड़ा अक्षरधाम है, यमुना के किनारे स्वामीनारायण अक्षरधाम, आप शायद वहां गए होंगे. इसी प्रकार का यह संकुल है. तब एक महीने का महोत्सव था. आपको जान के आश्चर्य लगेगा और आपको जान के ये आनंद भी होगा कि प्रथम दिन, मुख्य दिन में हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने डॉक्टर दोषी को बुलाया था, उनको मंच पे अपने बाजू में बिठाया था और उनको 20,000 से ज्यादा जनमेदनी के बीच, सभाजनों के बीच उनका सम्मान किया था, उनकी सेवा का सम्मान किया था. डॉक्टर दोषी ने कभी सम्मान के लिए सेवा नहीं की, उन्होंने तो निस्वार्थ भाव से की है. मैंने इस प्रसंग इसलिए कहा कि सेवा करेंगे तो लोगों को भी आपके प्रति आदर होगा, लोगों को भी आपको प्रति प्रेम होगा, और सेवा करते रहेंगे तो सेवा में कभी संसाधन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये भगवान प्रेरित होती है. भगवान की कृपा दृष्टि जिन पे होती है उनको ही सेवा का लाभ मिलता है, विचार आता है और वे ही सेवा कर पाते हैं. डॉक्टर दोषी के मित्र थे डॉक्टर मेहता, जो यहाँ बड़ौदा में रहते हैं. वे भी होंगे 90 साल के. अभी 2 साल पहले हम उनको मिले थे. डॉक्टर मेहता ने जब मुझे कहा, जब हम मिले तब मुझे पता नहीं था कि वे डॉक्टर दोषी के साथ उन्होंने 22-25 साल काम किया है सेवा में. ऐसे ही बातों में उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर दोषी को आप जानते होंगे, कैटरेक्ट ऑपरेशन किया है. मैंने बोला हाँ जानता हूँ, मैंने उनको देखा भी है, उनके चरण स्पर्श भी मैंने किए. उन्होंने कहा कि स्वामी मैं करीबन 25 साल उनके साथ सेवा में रहा. मैंने बोला क्या बात कर, इतना अहोभाव मेरे हृदय में आया. फिर डॉक्टर मेहता के साथ मैंने उनको विनंती की कि अगर आपको समय है तो मुझे आपके साथ 20-25 मिनट बैठना, आपके पास से कुछ अच्छी बातें सुननी. उन्होंने बोला कि स्वामी मैं तो रिटायर्ड हूं, ऐसे ही घर में बैठा हूं तो मुझे भी आनंद आएगा, तो हम बैठे और 1.5-2 घंटा तक हमने बातें की. एक तो बार मैंने कहा कि आपका कोई शेड्यूल हो खाने पीने का, सोने का, आपकी उम्र 90 साल की है. उन्होंने बोला नहीं नहीं स्वामी मैं बैठा हूं, आनंद है. मैंने उनको एक प्रश्न पूछा. डॉक्टर मेहता को मैंने पूछा कि आप दोनों गांव गांव जाते थे, हर रोज गांव बदलते थे, वहां आई कैंप लगाते थे, आपके पास वॉलंटियर्स थे, स्थानीय स्कूल के वॉलंटियर्स मिल जाते थे, कैंप लगा देते थे और आप सेवाएं कर देते थे, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आते थे, संसाधन कहाँ से आते थे? इंजेक्शन देना मतलब मेडिकल कॉस्ट तो होता है, कैटरेक्ट ऑपरेशन चलो डॉक्टर फ्री करता है, लेकिन जो मटेरियल यूज होता है उसके तो पैसे लगते हैं ना. तो मैंने उनको पूछा कि इनके लिए पैसे कहाँ से आते, क्योंकि आप तो बोलते हो कि हम तो 24 घंटा सिर्फ सेवा करते थे तो फंड रेजिंग तो करते नहीं होंगे, जो हमारा मुख्य प्रश्न कभी सेवा विभाग में आता है, सेवा संस्था में, कि प्रोजेक्ट तो करना है, फंड कहां से आएगा. डॉक्टर मेहता ने मुझे जो बात बताई वो आज मैं आपसे शेयर करता हूं. डॉक्टर मेहता ने मुझे कहा कि स्वामी जी उसकी चिंता डॉक्टर दोषी और मैंने कभी नहीं की. मैंने बोला वो कैसे? डॉक्टर मेहता ने कहा कि स्वामी जी हम 5 दिन के लिए या 8 दिन के लिए या 15 दिन के लिए भी कभी कभी, जब आसपास के गांवों में, दूर के गांवों में कैंप करके वापस आते थे और 1-2 दिन जब आनंद में ठहरते थे, फिर से और कोई डायरेक्शन में जाना होता था इसलिए वहां 1-2 दिन बीच में रहते थे, हम जब डॉक्टर दोषी की क्लिनिक सुबह 8 बजे खोलते थे, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तब नीचे फ्लोर पे 5, 10, 15, 20 चेक ऐसे ही पड़े हुए देखते थे. मैंने बोला क्या बात करते हो डॉक्टर मेहता? उन्होंने कहा हाँ. तो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, वो चेक में रकम कितनी, मतलब राशि कितनी लिखी होती है? उन्होंने कहा कि स्वामी मैंने 500 रुपये के भी चेक देखे हैं, 100 रुपये के भी देखे हैं, 1 लाख के भी देखे हैं, 5 लाख के भी देखे हैं और 25 लाख के भी देखे हैं. मैंने बोला 25 लाख का चेक कोई डॉक्टर दोषी की क्लिनिक में वो दरवाजे के नीचे तिवाड़ में से अंदर डाल देता था?
और चला जाता था। उन्होंने बोला हाँ स्वामी। मैंने बोला फिर तो इससे भी बड़े आश्चर्य की बात डॉक्टर मेहता ने की। डॉक्टर मेहता बोले कि स्वामी जब हम दरवाजा खोलते थे और मैं और डॉक्टर दोषी साथ में होते थे और ये सब चेक 2, 5, 15, 25 चेक पड़े हुए देखते थे, डॉक्टर दोषी उस पे से कूद के आगे अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाते थे, देखते भी नहीं थे चेक के सामने, वो सब मैं कलेक्ट करता था। मैंने बोला क्या बात करते हो। उन्होंने कहा डॉक्टर दोषी के हृदय में जो सेवा भावना थी वे उसी में रत रहते थे, उसी के आनंद में हमेशा रहते थे, तो उनको ये पड़ी भी नहीं थी, ऐसे ही संसाधन आते थे और काम चलता था। तो देखो समाज सेवा में आप अगर जुड़ जाएंगे, आप चिंता मत करना, भगवान की कृपा से रिसोर्सेस तो आ जाएंगे, मतलब संसाधन तो आ जाएंगे। और डॉक्टर दोषी के जो आनंद, चलो इतना तो शायद हम ना कर पाए, लेकिन उससे 1%, 2%, 5% भी अगर हम कर पाए तो भी एक आनंद है। सेवा में आनंद बहुत है। जैसे मैं 30 साल से यहां बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था में सेवा में हूं, आनंद ही है। हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, हम बोलने के लिए, मैं तो 25 साल से प्रवचन करता हूं, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टॉक्स करता हूं देश प्रदेश में, कभी किससे चार्ज नहीं किया, एक रुपया भी नहीं लिया, अनिल जी को पता होगा, कभी किससे चार्ज नहीं किया। प्रेम से निस्वार्थ भाव से सभी को अच्छी बात करना, संस्कार देना, सदविचार देना, सद प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देना, जो आज हम कर रहे हैं, तो बहुत आनंद है। और यही कपड़े पहने हैं 30 साल से, बहुत आनंद है। वो आप जैसे मैंने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और तेज देखी, आपने भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट और तेज आप देखते होंगे, आनंद है सेवा का। तो सेवा में बहुत आनंद है, वो आनंद अगर लूटना है तो सेवा में जुड़ जाना, पाना नहीं है लूटना है, क्योंकि बहुत सारा है, ढेर सारा है। पैसे में जितना आपको आनंद आता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में आपको टेंडर आपका पास हो गया जितना आनंद आता है, भूख है और जब खाना मिलता है जो आनंद आता है, आपके नजदीक रिश्तेदारे वाले लोग एक साल 2 साल के बाद जब आप उनको मिलते हो, परदेश से आते हो, जो आनंद आता है, इन सभी आनंद से कहीं गुना बढ़िया आनंद, कहीं गुना ज्यादा आनंद निस्वार्थ सेवा में पड़ा हुआ है। हमको भी अनुभव है, आप सभी को भी छोटा मोटा अनुभव है, तो निर्णय कर लेना और ये आनंद ले लेना। एक और अच्छी बात समाज सेवा प्रेरणा के लिए आपको ये करनी है कि इस समाज सेवा से आपको शारीरिक, मानसिक और आंतरिक भी लाभ होता है। अमेरिका में तो कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना पेशेंट के लिए, तो लिखते हैं दवाई 1, दवाई 2, दवाई 3, जो 2, 3, 4, 5 दवाई लिखना है, फिर लिखते हैं हर हफ्ते 2 घंटा निस्वार्थ सेवा करना, उसके लाभ भी दिखाते हैं। कहते हैं कि जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, कोई स्वार्थ नहीं है, नाउ आई एम टॉकिंग साइंटिफिक, आप में से कई लोग साइंस को अच्छी तरह से जानते होंगे, पढ़े होंगे, नाउ आई एम टॉकिंग साइंस एंड आई एम टॉकिंग लॉजिक, सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं। तो ये डॉक्टर्स कहते हैं कि व्हेन यू आर सेल्फलेसली सर्विंग, यू आर इन एक्शन, जब आप एक्शन में होते हो, सर्विस करते हो, तब आपके शरीर में एंडोफिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वो एंडोफिन हार्मोन क्या काम करता है, पूरी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, पहला काम ये करता है कि आप फिजिकली आपके मसल्स को वो रिलैक्स कर देता है, दूसरा फील गुड फैक्टर पैदा करता है कि आपको अच्छा महसूस होता है, कामनेस, कूलनेस ये महसूस होता है, मतलब एक फील गुड फैक्टर प्रोड्यूस करता है। तीसरा एक बड़ा लाभ एंडोफिन से ये है कि आपके दिमाग में कोई तनाव हो, व्यापार धंधे का तनाव हो, कोई संबंध में कुछ बात बिगड़ गई, अगर उसका कुछ तनाव हो,
वो तनाव डिस्ट्रेस कर देता है, मतलब वो स्ट्रेस को वो डाइल्यूट कर देता है। जब स्ट्रेस आता है तब कॉर्टिजोल और एपिनेफ्रिन नाम के दो हार्मोन्स आपके शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आपका हार्ट बीट बढ़ा देता है, परस्पिरेशन मतलब पसीना बढ़ा देता है, आपको आकुल व्याकुल कर देता है, आपकी ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं आर्टरीज और वेन्स वो मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, वो फूल जाती है। तो जब कॉर्टिजोल एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं तो ये सब बातें होती है। उसके सामने जब एंडोफिन रिलीज होता है निस्वार्थ सेवा से या प्रभु भक्ति से, दोनों में ये ताकत है, दोनों में से एंडोफिन आता है, तब ये जो आपकी ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं वो वापस नॉर्मल हो जाती है, आपके हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये सभी लाभ साइंटिफिकली बाय एक्सपेरिमेंट्स क्लिनिकली प्रूव्ड हैं एंड अमेरिकन मेडिकल जर्नल्स में ये बातें कहीं बार प्रकाशित हुई है, कहीं आर्टिकल्स में। तो सेवा से आपको ये लाभ मिलता है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में भी एक रिसर्च हुई, वे कहते हैं कि जो लोग निस्वार्थ भाव से हफ्ते में 2 घंटा सेवा करते हैं दे स्टैंड 30-40% लेस चांस ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट देन दोज डोंट सर्व एट ऑल। है कि नहीं बड़ा लाभ? तंदुरुस्त जीवन का लाभ है। चलो जितने साल जीना है वो तो भगवान की इच्छा है, किसी के लिए 55, किसी के लिए 65, किसी के लिए 75, किसी के लिए 90, किसी के लिए 100 तो ठीक है चलो, लेकिन जितना भी जीना है अच्छे स्वास्थ्य से तो जीना है कि नहीं? स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है कि नहीं? चलो उसके लिए आप व्यायाम करते हो, योगासन करते हो, डाइट करते हो, लेकिन ये भी इंटरनली बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये सहज सेवा से मिलता है। तो फिजिकली यू आर एट एन एडवांटेज, मेंटली यू आर एट एन एडवांटेज एंड इमोशनली यू आर एट एन एडवांटेज। जो मैंने फील गुड फैक्टर की बात बताई आपको, द फील गुड फैक्टर, कामनेस, कूलनेस, स्टेबिलिटी, ये सभी आपको बातें मिलती है। एक चौथी अच्छी बात आपको बतानी है कि द वर्ल्ड इज राउंड एंड वॉट एवर यू गिव टू द वर्ल्ड कम्स बैक टू यू, ये सिद्धांत है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये पृथ्वी गोल है, आप जो पृथ्वी को देंगे वही आपको पृथ्वी वापस देगी। आप अच्छे विचार देंगे आपको अच्छे विचार मिलेंगे, आप अच्छी सेवा देंगे आपको अच्छी सेवा मिलेगी। शायद बुजुर्ग होंगे जब आपको सेवा की जरूरत है, तब आपने पूरी जिंदगी सेवा की है, तो भगवान और कुदरत ये दुनिया आपके लिए व्यवस्था कर देगी। देखते रहना आसपास, ऐसे प्रसंग बनते होंगे, आपको ज्यादा प्रतीति आएगी। द वर्ल्ड इज राउंड एंड वॉट एवर यू गिव टू द वर्ल्ड इट कम्स बैक टू यू। आप स्वार्थ से जीते हो तो आपके पास स्वार्थी लोग ही आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। आप निस्वार्थ सेवा के भाव से जीते हो तो आपके आसपास ऐसे निस्वार्थ सेवा भावी लोग ही घूमते रहेंगे। कितना अच्छा जीवन। तो ये भी सिद्धांत है और ये भी दृढ़ करते रहना। और एक बात, हमारे सत्शास्त्रों में ये बात लिखी है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्या। मतलब सेवा धर्म कठिन है। क्यों कठिन बताएं? चलो व्यवहारिक कामकाज आते हैं वो बाधा रूप होते हैं, हमारे अपने विचार, अपनी भावनाएं, हमारा ईगो वो भी बाधा रूप होता है। इस साल मैं ज्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं दे पाऊंगा। क्यों भाई? अब तक तो आप बहुत अच्छा समय देते थे, सेवा करते थे। नहीं यार, क्या है कि क्या मेरा लड़का अभी वो अमेरिका गया है, वो वहां पढ़ाई के लिए गया है, तो उसका थोड़ा टेंशन है, लड़की की शादी करनी है, वो थोड़ी बात चल रही है, और धंधे में भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये सब कारण देती हो ना, ये कारण असली कारण नहीं है। असली कारण क्या है कि इस बार जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल और प्रमुख और मतलब ये सदस्य आए हैं वो मेरे ग्रुप के नहीं है।
जो प्रेसिडेंट है ना उससे मेरी अच्छी बनती नहीं है, जो ये सेक्रेटरी जनरल है ना आपके अनिल जी उससे मेरा ठीक नहीं जमता है। असल कारण तो ये है सेवा में नहीं आने का। बीबी बच्चे तो रीजन नंबर टू, बिजनेस रीजन नंबर थ्री, हेल्थ रीजन नंबर फोर। रीजन नंबर वन है कि जमता नहीं है, ठीक नहीं है, ईगो कम कर देना, सेवा इसलिए करते हैं। एंड व्हेन यू बिकम ईगोलेस यू हैव द पावर, यू हैव द मैग्नेट टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज थे जिन्होंने ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई। मैं जिस संस्था में से आता हूं, द बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था, वो एक विश्वव्यापी संस्था है। हमारी संस्था को यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्टेटस है एज एन एनजीओ। हमारी संस्था में 160 से ज्यादा प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, सामाजिक प्रवृत्तियां होती है, तबीबी प्रवृत्तियां होती है, शिक्षण शैक्षणिक प्रवृत्तियां होती है, पर्यावरण लक्षी प्रवृत्तियां होती है, आदिवासी उत्कर्ष की प्रवृत्तियां होती है। हम 1200 संत हैं फुल टाइम इस संस्था में। इसमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजंस। इनमें से 50 से भी ज्यादा संत वे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, वॉटन, ऑक्सफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं। मतलब हम समझदारी से यहां आए और हमारे संप्रदाय में 21 साल पूर्ण होने के बाद ही दीक्षा मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। बहुत समझदारी से अपने जीवन का मूल्यांकन करके अपना भावी देखते हुए यहां सेवा में आए हैं। ये सभी प्रमुख स्वामी महाराज की बदौलत है। प्रमुख स्वामी महाराज वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग सच अ टैलेंटेड एजुकेटेड कल्चर यूथ एनर्जी फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी टू मेन स्ट्रीम सोशल सर्विस एंड मेन स्ट्रीम स्पिरिचुअलिटी। आपको जान के अब ताज्जुब होगा जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं। मुद्दा क्या है कि आप ईगोलेस सेवा करेंगे, ये मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। प्रमुख तो कोई भी हो, वो तो 2-3 साल जो आपकी सिस्टम होगी आते जाते रहेंगे। आप संस्था में पद प्रतिष्ठा के लिए जुड़े हुए हो या सेवक बन के जुड़े हो, वो पहले तय कर लेना। हैव यू कम हियर फॉर अ पोस्ट एंड पोजिशन और यू कम फॉर सेल्फलेस सर्विस? आपको करना क्या है? चेक फॉर योरसेल्फ। प्रमुख स्वामी महाराज ने कितनी ईगोलेस सेवा की। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने सिंगल हैंडेडली 45 इयर्स में फ्रॉम 1971 टू 2016, अब सुनना स्टैटिस्टिक्स ध्यान से, कि एक व्यक्ति अगर ईगोलेस बन जाए, जैसे डॉक्टर दोषी बने, जैसे प्रमुख स्वामी महाराज बने, क्या कर सकते हैं समाज में? प्रमुख स्वामी महाराज ने 45 इयर्स में 1300 इंस्टीट्यूट्स खड़ी की। हम 1200 संतों तो अलग हैं, मतलब वो भी एक एक्टिविटी करी। 1300 इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, संस्कार केंद्रस, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर्स, संस्कार धाम्स, अक्षरधाम, ऐसे 1300 संस्थाएं खड़ी की। और आज सभी ये 1300 संस्था समाज में प्रवृत्त हैं और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा चल रही है। मैं जिस जगह पे बैठा हूं अभी बड़ौदा में हूं, यहाँ 35 एकड़ का बड़ा कैंपस है। हमारा मंदिर तो 75 साल पुराना है, लेकिन मंदिर के सामने हमारी 100 बेड की हॉस्पिटल है, चैरिटी हॉस्पिटल। पूरे बड़ौदा में इस प्रकार की चैरिटी हॉस्पिटल एक भी नहीं है। 7 मजले की 100 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम पूरी चैरिटी के बेस पे चला रहे हैं। और हॉस्पिटल में आप पैर रखे तो इट इज अमेरिकन क्लास हॉस्पिटल From cleanliness to services। उसके बाजू में हमारी हॉस्टल है जहां 250 विद्यार्थी रहते हैं, मतलब छात्रावास है। उसके पीछे हमारी एक निरामय हॉस्पिटल है, वो आज भी जब मैं आपको बात कर रहा हूं आज 4 सितंबर को, तब भी वो कोरोना हॉस्पिटल है। 35 बेड की वो हॉस्पिटल है, वो भी चैरिटी है। उसके सामने हमारी 1200 विद्यार्थी की
रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम स्कूल है। और अभी दिवाली के बाद हमारे सामने कैंपस में 13,000 की बैठक का पिलरलेस सेंट्रली एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बनेगा। तो यह मैंने एक संस्था की बात की, ऐसी 1300 संस्था प्रमुख स्वामी महाराज ने सिंगल हैंडेडली खड़ी की। आप समझ सकते हो, मतलब हर 15वें दिन, एवरी 15th डे ऑफ हिज लाइफ, प्रमुख स्वामी महाराज गिफ्टेड अ स्कूल और हॉस्टल और कॉलेज और मंदिर टू द सोसाइटी। जमीन संपादन से लेके लीगल क्लियरेंस से लेके कंस्ट्रक्शन हो जाना, फंड रेज हो जाना, लोग मिल जाना। ये आप शांति से मैं जो बोल रहा हूं वो बैठ के सोचना, 45 इयर्स तक कोई व्यक्ति हर 15वें दिन एक संस्था की भेंट समाज को दे, निस्वार्थ सेवा वाली संस्था, क्यों कर पाए? ईगोलेस हार्डवर्क, ईगोलेस एटीट्यूड, ईगोलेस सर्विस। कितनी ईगोलेस पता है? 1950 में 21 मई को उनको इस संस्था के प्रमुख बनाए गए थे। 2016 तक 65 साल तक वे हमारे प्रमुख रहे। हम दिलो जान से उनको चाहते थे। आज हम इस साल उनको इनकी शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं हमारे प्रगट गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के सानिध्य में। 21 मई 1950 को जब उनको प्रमुख बनाया गया, उनकी उम्र 28 साल की थी, तब क्या प्रसंग बना था? आप सुन के आपको इतनी प्रेरणाएं मिलेगी, आपको इतना आनंद मिलेगा। 21 मई 1950 को शाम को 7 बजे 40-50 लोग के सानिध्य में अहमदाबाद में हमारे जो स्थान था वहां उनको प्रमुख बनाया गया। फिर भोजन समारंभ था, सभी ने भोजन लिया। 1950 में तो कैटरिंग सर्विसेज थी नहीं, आज तो हमारे कोई प्रसंग होते हैं तो कैटरिंग सर्विसेज आ जाती है। तो 2-3 हमारे ही हरिभक्त कुछ बर्तन लेके आए, वहां जो 2-3 महिलाएं थी उन्होंने रसोई सभी के लिए पकाई और 40-50 लोग ने भोजन किया और फिर वहां से सब चले रात को 8:30-9 बजे। फिर जब प्रमुख स्वामी महाराज सबको विदा दे के रसोई घर में भोजन के लिए गए, अब शांति से सुनना है, रसोई घर में जब गए तब सभी बर्तन ऐसे ही जूठे पड़े थे। आपको ये लगा कि वो कर देगा, उसको लगा कि वो कर देगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने क्या करा, क्या क्या किया? किसी को नहीं कहा, वे प्रमुख थे इस संस्था के, किसी को बोल सकते थे, कह सकते थे कि आप ये करके जाओ, आप ये करो, नहीं। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग महावीर इंटरनेशनल, द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रमुख स्वामी महाराज जूठे बर्तन साफ करने के लिए बैठ गए 1.5 घंटे तक अकेले। आप कभी ये सोच सकते हो कि जिनकी प्रमुख पद की मुख्य सभा में जो मेहमान आए हैं उन सभी के जूठे बर्तन प्रमुख खुद साफ करें अकेले? कभी ऐसा प्रसंग सुना है? ये हुआ। वे मानते थे कि मैं इस संस्था का प्रथम सेवक हूं, प्रमुख नहीं, प्रथम सेवक हूं। दैट ईगोलेसनेस। और वहां से उनकी करियर शुरू हुई। और जब 1971 पे वे गुरु पद पे आए तब 45 इयर्स में 1300 इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी। वे ईगोलेस थे इसलिए रिसोर्सेस अट्रैक्ट हुए। हम संत भी उनके साथ जुड़ गए, हमारे 55,000 स्वयंसेवक भी उनके साथ जुड़ गए, हमारे देश प्रदेश में लाखों हरिभक्त भी उनके साथ जुड़ गए और इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई। आप सभी अक्षरधाम तो गए होंगे शायद, दिल्ली में जितने रहते होंगे, स्वामीनारायण अक्षरधाम यमुना के किनारे। 5 साल में 110 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट पूरा करना, नॉन रेसिडेंशियल, नॉन कमर्शियल और निस्वार्थ भाव से। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में दुनिया के
60 देशों में 18,000 गांव और शहर में व्यक्तिगत गए लोगों को निर्व्यसनी करने के लिए, लोगों को संस्कृत करने के लिए, लोगों के जीवन में शिक्षा की दीक्षा देने के लिए। 7.5 लाख पत्र उन्होंने पढ़े हैं और उत्तर दिए हैं। 3.5 लाख घर में वे व्यक्तिगत जाके परिवार के साथ बैठे और उन परिवार में पवित्रता दी। ये स्टैटिस्टिक्स में जो आपको जो बोल रहा हूं वो माइंड बॉगलिंग स्टैटिस्टिक्स है। फॉर अ सिंगल पर्सन, फॉर वन पर्सन इन वन ह्यूमन लाइफ इज बियॉन्ड द कैन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। दिमाग में बैठ नहीं सकती ये बात, एक व्यक्ति क्या कर सकते हैं। लेकिन क्यों करे, क्यों किया डॉक्टर दोषी ने, क्यों किया प्रमुख स्वामी, क्यों कर पाए? ईगोलेस सेल्फलेस सर्विस। आपको पूरे प्रवचन में कोई बात याद ना रहे तो इतनी बात याद रखना, ईगोलेस सेल्फलेस सर्विस 2 आवर्स एवरी वीक। आप अपने आप को अनम्यूट मत करना अभी, लेकिन मैं जो बोलू उसके साथ आप भी बोलना, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। आई विल डू 2 आवर्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस, ईगोलेस सर्विस एवरी वीक। देखना आपके जीवन में चमत्कार, देखना आपके जीवन में आनंद की वृद्धि, देखना आपके जीवन में कैसे संसाधन आते हैं। योर पर्सनालिटी विल बिकम अ सर्विस पर्सनालिटी, योर पर्सनालिटी विल अट्रैक्ट पीपल फॉर मोर सर्विसेस। कोरोना में हमने ये बड़ौदा में जब सेकेंड वेव चल रहा था अप्रैल मई महीने में, तब हमने तय किया कि एक अच्छी फील्ड हॉस्पिटल बनानी है। हमने हमारे मंदिर के कैंपस में 4 दिन में 500 ऑक्सीजन बेड की फील्ड हॉस्पिटल तैयार की। नॉट इवन 100 आवर्स, 96 आवर्स में, 4 डेज में। और 2200 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन बेड की जरूरत थी। हमने 13,000 लीटर की लिक्विड ऑक्सीजन की टैंक लगा दी सिर्फ 4 दिन में, और उसमें से 500 बेड को ऑक्सीजन कॉपर ट्यूबिंग से मिलता था। सभी पेशेंट्स के लिए फ्री खाना, उनके रिलेटिव्स के लिए फ्री खाना, डॉक्टर्स के लिए सब व्यवस्थाएं, फ्री खाना। 40 दिन तक हमने ये कैंप चलाया। हमारे यहां से 2200 पेशेंट्स मरीज ठीक होके गए और भगवान की कृपा रही, एक भी मरीज हमारे फील्ड हॉस्पिटल में जान नहीं छोड़ी। 500 ऑक्सीजन बेड की हॉस्पिटल 4 दिन में खड़ी कर दी। आप हमारी हमारी वेबसाइट bapsorg पे ये वीडियो है, आप देखना। मतलब आप अगर तय करें तो आप बहुत अच्छी समाज सेवा कर सकते हो। और एक और बात आपसे करनी, समाज सेवा प्रभु को प्यारी है। वे चाहते हैं कि जो लोग पृथ्वी पे अपने कर्म के हिसाब से कम भाग्यवान है, क्योंकि कुछ उसके कर्म ठीक नहीं थे तो ये जन्म में कुछ कम भाग्यवान है, लेकिन फिर भी आप लोग जो हो, जो ज्यादा भाग्यवान हो, आपके पास धन दौलत पैसा वैभव सभी कुछ है, तो आप उनमें से कुछ समय शक्ति विचार धन दे और उनकी सेवा करें, तो वो प्रभु अपनी भक्ति मान लेते हैं। प्रभु की जब प्रसन्नता होगी तब आपके जीवन में भी दुख कम होगा और सुख का बढ़ावा होगा। ये भी प्रभु से आशीर्वाद से मिलता है। तो ये सभी बातें समाज सेवा के लिए हैं। और आखिर बात तो ये है कि एट द एज ऑफ 80-90 व्हेन यू आर इन द लास्ट डेज ऑफ योर लाइफ यू शुड बी एबल टू पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेल योरसेल्फ यस आई लिव। तो ही जीवन का आनंद है। किसी ने जाना नहीं जाना वो तो अलग बात है, लेकिन आपको तो एक सेटिस्फेक्शन और गर्व आना चाहिए ना कि यस
मुझे मैं 90 साल का हूँ, प्रभु ने मुझे इतना जीवन दिया, प्रभु आपकी कृपा, लेकिन मैंने अपना जीवन में सेवा की है, मुझे संतोष है, आनंद है, सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं, सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के लिए नहीं, सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, मैंने समाज की सेवा की है, मुझे उसका आनंद है। वो आनंद के साथ आंख बंद करना वो मनुष्य का कर्तव्य है। पैसे 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 करते करते आंख बंद करना वो कर्तव्य नहीं है, वो तो पशु जीवन है, पशु जीवन, वो मनुष्य का जीवन नहीं है। तो ये संतोष एंड दैट प्राइड, वो गौरव, वो आपको जीवन में आपको कमाना है, आप करते हो, ज्यादा करना है, सर्विस अबाउ सेल्फ, स्व से पर होके ये सेवा करनी है तो ही आनंद मिलेगा। तो ये सभी कुछ बातें हैं, प्रेरणादायी हैं, आज इस प्रसंग पे हम सब मिल पाए, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल पाए, सब अपने अपने घर बैठे हैं, लेकिन एक अच्छा समय हमने साथ में ये बिताया, एक सवा घंटे का, और कुछ अच्छी बातें हमने शेयर की, आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए सब प्रेरणादायी बातें। हम ये बातें करते करते हम भी प्रेरणा लेते हैं, हम भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, आप सभी ये बातें सुनते सुनते अपनी प्रेरणा लेते हैं, सुनते सुनते अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, और हम सब अपनी अपनी संस्था में जो भी उद्देश्य है, अपनी अपनी संस्था में जो भी विचारधारा है, मतलब कौन सी सेवा हमें करनी है, कोई मेडिकल करता है, कोई सोशल करता है, कोई एनवायरमेंटल करता है, जो भी है, लेकिन उसमें श्रद्धा से हम जुड़ पाए वो बहुत जरूरी है। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे गुरु मोहन स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को बल बुद्धि शक्ति दे कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए, जीवन में संतोष और आनंद महसूस कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग महावीर इंटरनेशनल संस्था के जरिए लाभान्वित हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन हम करते हैं, और आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। परम सरदे ज्ञान वत्सल जी स्वामी जी, मैं, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, बस एक छोटा सा गांव गुजरात का आनंद, जहां से आनंद की सरिता बहाई आपने आज, और सेवा भी आनंद के साथ में, किस तरह से भाई ईगोलेस सेवा, सेल्फलेस सेवा, और फिर आपने वो जो केमिकल बताया कि भैया एंडोफिन है, और फिर फील गुड्स की बात बताई, और फिर आपने कहा है कि भैया तनाव मुक्त जिंदगी, स्ट्रेसलेस जिंदगी, और उसके बाद में भी ये जो आप समझ लो कि कोई तरह का जो ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं होगा, सेवा के बारे में इतना विस्तार पूर्वक, मेरे ख्याल में हमने उज्ज्वल पाटनी जी को, सुनील देसाई को, जितने दुनिया भर के मोटिवेटर है, सोनू शर्मा जी को वगैरह, तमाम को सुना, और एक इस विषय पर इतना विस्तार पूर्वक, आज मैं स्क्रीन में सारे देखता था, और मैं आपको अगला एक अनुभव बता रहा हूँ कि हमारे स्क्रीन में अगर मान लो 200 लोग रहते हैं तो प्रवचन के अंत तक में वो 70% लुप्त हो जाते हैं, सिर्फ 20 जने अपनी मजबूरी के बस गए थे, क्योंकि जैनों के परिसरण पर भी चल रहे हैं, काफी लोग जैन हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 100% उपस्थिति शुरुआत से लगाकर आखिरी, और जो कमेंट आ रहे हैं वो आप, मेरे ख्याल में उनके चेहरे में एक एक जने से अगर हम बात पूछें तो शायद आपके बारे में जो आज बात बताएंगे, सेवा के बारे में इतने विस्तार करूं। अब मैं सवाल जवाब से बात करूं, उससे पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय महामंत्री जी, हमारे अनिल जी जैन, क्योंकि इस वक्तव्य के बाद में उनका उद्घाटन होने बहुत जरूरी है, पहले अनिल जी साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है, बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व है, तो मैं अनुरोध करूंगा अनिल जी साहब कृपया अपना वक्तव्य दें। नहीं, इसमें कोई ऐसा वक्तव्य की जरूरत नहीं है, अभी हमारा सब चीजें ठीक हो गई है, अभी केवल 5 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन अगर कोई स्वामी जी से पूछना चाहे स्पेसिफिक क्वेश्चन तो ऐसा करना। हेलो अनिल जी, जिनको भी प्रश्न पूछना है आपको चैट बॉक्स में भेज दें, उनकी ओर से आप ही पूछना। यस, चैट बॉक्स में अगर वो डाल दें कोई क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन हम रिक्वेस्ट करेंगे स्वामी जी से कि वो ले लेंगे, चूंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो हम इसको फिर समाप्ति की तरफ ले जाएंगे।
वैसे तो देखिए स्वामी जी ने जितनी भी बातें बताई समाज सेवा की, वो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेशन मोड में है। हर व्यक्ति को उतनी बात सब समझ में आती है और हम अपने बैक ऑफ माइंड में जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी इन चीजों को भूल जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने बताया, तो ऐसा कोई प्रश्न होने का कोई ज्यादा रीजन नहीं है। तो इसलिए हम गणपत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें और सभा को विसर्जित करने का घोषणा करें। मैं परम सरदे ज्ञान वत्सल जी स्वामी का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं और साथ में राजीव जी कोठारी जो ग्रीनलैंड के मालिक है, जिनके द्वारा, और ये भी एक अद्भुत संयोग है, जब अनिल जी साहब सेक्रेटरी जनरल सूरत पधारे तब उसी समय बात हुई और आप स्वामी जी से बात हुई, उसी समय तय हुआ कि आपका एक कार्यक्रम कराना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ी है जो विजन खड़ा हो गया है और अब ऑफलाइन मुझे लगता है कि आज जो मैं चेहरों के जो हाव भाव देख रहा था, बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, मुझे लगता है कि अभी ये जो ऑफलाइन सेमिनार स्वामी जी की होनी है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आज सुधीर जी की तरफ से और मैं तमाम जितने लोग यहाँ बने रहे उनका भी साधुवाद है और विशेष रूप से राजीव कोठारी जी का साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार व्यक्त ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। राष्ट्रगान करेंगे और राष्ट्रगान के लिए अनुरोध, राष्ट्रगान। यस। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। यस, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ वंडरफुल लिसनर एंड पेशेंट लिसनर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार। आभार आभार स्वामी जी, बहुत बहुत आभार आपका। चलो अच्छा हुआ सब मिल पाए। सूरत हमारे बहुत ही जल्दी आपको हमें बुलाना पड़ेगा।